The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high quality educational resources for free. थर्मोडायनामिक्स में हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया और सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि जनरली थर्मोडायनामिक्स की स्टडी हम लोग विद द हेल्प ऑफ क्लोज सिस्टम करने वाले हैं। क्लोज सिस्टम के अंदर आपके पास चार टाइप के वेरिएबल्स होते हैं PVST और इन चारों वेरिएबल्स से कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास चार थर्मोडायनामिक पोटेंशियल होते हैं HGAU। उसके बाद आप लोगों ने मैक्सवेल बोर्न स्क्वायर पढ़ा जहां पर आप लोगों ने पोटेंशियल्स और वेरिएबल्स के बीच में कुछ रिलेशंस को देखा। उसके बाद आप लोगों ने कंप्लीट डेरिवेटिव को लिखना सीखा, पार्शियल डेरिवेटिव को कैलकुलेट करना सीखा और साथ ही साथ आप लोगों ने थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट को भी वहीं पर पढ़ा। आपने वहां पर अल्फा को देखा, बीटा को देखा और गामा को देखा। उसके बाद आप लोगों ने स्टेट फंक्शन को पढ़ा, पाथ फंक्शन को पढ़ा और विद द हेल्प ऑफ यूलर थ्योरम आप लोगों ने स्टेट फंक्शन को स्टेट फंक्शन प्रूव करना सीखा। उसके बाद आप लोगों ने थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़ी और उसको पढ़ने के बाद आप लोगों ने वर्कडन निकालना सीखा कि किस तरीके से आप लोग वर्कडन निकाल सकते हो इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर और रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर। वर्कडन निकालने से पहले आप लोगों ने हीट कैपेसिटी को भी पढ़ा था और हीट कैपेसिटी के अंदर आप लोगों ने फीचर्स ऑफ हीट कैपेसिटी को पढ़ा और CP-CV के कुछ रिलेशंस को देखा। उसके बाद आप लोगों ने जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट पढ़ा और उसके बाद आप लोगों ने कार्नोट इंजन, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर कंसेप्ट को भी वहां पर अच्छे से देख लिया। उसके बाद आप लोगों ने इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी पढ़ा और इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी के अंदर आप लोगों ने डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट भी वहां पर अच्छे से देख लिया। उसके बाद हम लोग एंट्रोपी चेंज को कैलकुलेट कर रहे थे। सबसे पहले आप लोगों ने एंट्रोपी चेंज निकालना सीखा अपने चार प्रोसेस के लिए, चाहे आपका प्रोसेस रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन हो, इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन हो, रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो या फिर इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो। उसके बाद आप लोगों ने एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग को निकालना सीखा, चाहे आपके मिक्सिंग सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग हो, सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग हो। सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग को आप लोगों ने दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया। उसके बाद गैसेस के लिए आप लोगों ने एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग को अलग से निकालना सीखा, वहां पर आप लोगों ने आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस को देखा और नॉन आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस को देखा। उसके बाद आप लोगों ने क्लैपेरॉन इक्वेशन को पढ़ा जहां पर हमारे पास हम एक डिफरेंशिएटेड फॉर्म को देख रहे थे, dP/dt को हम लोग देख रहे थे। आज की क्लास के अंदर हम लोग उस डिफरेंशिएटेड फॉर्म को इंटीग्रेट करेंगे और हम लोग पढ़ेंगे क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या होती है और साथ ही साथ हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर आपसे CSIR नेट के अंदर पूछे गए हों या फिर गेट के अंदर पूछे गए हों, जैम के अंदर पूछे गए हों या फिर टीफर एग्जाम के अंदर पूछे गए हों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दिस इज RJ एंड वेलकम टू RJ Academy। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने एरेनफेस्ट क्लासिफिकेशन पढ़ा था और उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि आपकी क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या होती है। वहां पर हमने कहा था कि जो आपकी क्लैपेरॉन इक्वेशन है वो आपकी dP/dt होती है, डिफरेंशिएटेड फॉर्म होती है और बेसिकली वो आपको फेज डायग्राम का स्लोप बता रही है। तो हमने आपसे कहा था कि जो आपकी क्लैपेरॉन इक्वेशन होती है आपके पास जो फेज डायग्राम होता है वो POT के रिस्पेक्ट में होता है और जो आपकी क्लैपेरॉन इक्वेशन होती है वो एक डिफरेंशिएटेड फॉर्म होती है dP/dt। इस चीज़ की हम लोगों ने बात की थी लास्ट टू लास्ट क्लास के अंदर जहां पर हम लोगों ने क्लैपेरॉन इक्वेशन को पढ़ा था। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम लोग इस क्लैपेरॉन इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे। बेसिकली क्लॉसियस ने क्या किया था, क्लॉसियस ने क्लैपेरॉन इक्वेशन को उठाया था और उसको क्या कर दिया था, इंटीग्रेट कर दिया था। और इंटीग्रेट करने के बाद वो लोग वो क्वांटिटेटिव भी बता पा रहा था कि अगर आपका प्रेशर चेंज हो रहा है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर या फिर मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर के हिसाब से चेंज हो रहा होगा। आज की क्लास में हम लोग उस चीज़ की बात करेंगे और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयरली जैम के अंदर पूछे गए हैं, नेट के अंदर पूछे गए हैं, गेट के अंदर पूछे गए हैं या फिर आपके टीफर एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन से रिलेटेड। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ आप लोग अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी थर्मोडायनामिक कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और आज मैंने सबसे पहले हमारी हेडिंग क्या रहेगी, हमारी हेडिंग रहेगी इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ क्लैपेरॉन इक्वेशन। बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लैपेरॉन इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे और उसके बाद जो आपकी इक्वेशन बनेगी उसको आप क्या बोलते हो, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन बोलते हो। तो क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन एक इंटीग्रेटेड फॉर्म है और क्लैपेरॉन इक्वेशन एक क्या है, डिफरेंशिएटेड फॉर्म है। ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए सबसे पहले। तो हमने कहा था कि जो आपकी क्लैपेरॉन इक्वेशन है वो आपकी फर्स्ट ऑर्डर
फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के लिए क्या है, वैलिड है। और अगर आपकी कोई भी क्लैपेरॉन इक्वेशन, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड होती है और आप लोग उसी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर रहे हो, तो आपकी इंटीग्रेटेड फॉर्म भी किसके लिए वैलिड रहेगी, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के लिए रहेगी। फिर आपने क्या कहा था कि जो आपका सॉलिड से लिक्विड ट्रांसफॉर्मेशन है, जो आपका लिक्विड से गैस ट्रांसफॉर्मेशन है, जो आपका सॉलिड से गैस ट्रांसफॉर्मेशन है, इन ट्रांसफॉर्मेशन को आप क्या बोलते हो, इन ट्रांसफॉर्मेशन आप क्या बोलते हो, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हो। इसका मतलब आप लोग इन्हीं चीज़ों के लिए, इन्हीं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या यूज़ कर सकते हो, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन को यूज़ कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ कि सिग्निफिकेंटली आपको क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या बताने वाली है, तो मान लीजिए कि आप लोग इस टाइम के अंदर न्यू दिल्ली के अंदर बैठे हुए हो, और न्यू दिल्ली के अंदर आप लोग क्या चाहते हो कि आपकी आइस पिघलकर क्या बन जाए, वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो आपको पता है कि दिल्ली के अंदर जो आपका प्रेशर होता है वो क्या होता है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है। और आपको ये भी पता है कि आपकी आइस मेल्ट होती है 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर आपका प्रेशर क्या होता है, आपका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है। तो आपको ये पता है कि इस टेम्परेचर के ऊपर आपकी आइस 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मेल्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप इस पूरे सिस्टम को उठाकर, न्यू दिल्ली से उठाकर आप कहाँ चले जाते हो, मान लीजिए कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, आप लोग लद्दाख के अंदर चले गए, जहाँ पर आपका जो प्रेशर होता है वो थोड़ा सा लो होता है। मान लीजिए कि आप लोग यहाँ पर भी आइस को मेल्ट करना चाहते हो और मेल्ट करा के आप इसको पानी में कन्वर्ट करना चाहते हो, लेकिन यहाँ पर जो आपका प्रेशर थोड़ा सा लो प्रेशर होगा, मान लीजिए कि यहाँ पर प्रेशर आपके पास क्या है, 0.9 एटमॉस्फेयर है, तो किस टेम्परेचर के ऊपर आपकी मेल्ट होने वाली है वो आपको बताना है। ऑफकोर्स ये 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तो मेल्ट नहीं, क्योंकि आप लोगों ने क्लैपेरॉन इक्वेशन को पढ़ लिया है, वहाँ पर आपने कहा था कि अगर आपका प्रेशर में चेंज हुआ तो आपका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर के अंदर भी चेंज हो जाता है। तो ऑफकोर्स ये 0 डिग्री के ऊपर तो नहीं होगी, तो अगर ये 0 के ऊपर नहीं होगी तो कितने के ऊपर होगी, सिग्निफिकेंटली उसका कितना टेम्परेचर होगा, कि क्या उसके नंबर्स होंगे, तो उन नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास क्या है, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है। और इसके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, डिफरेंशिएटेड फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ आपकी इंटीग्रेटेड फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। आज जो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, मैंने कुछ क्वेश्चंस पिक किए हुए हैं गेट के, नेट के और जैम के, अच्छे क्वेश्चंस मैंने पिक किए हुए हैं, किस तरीके से आप उनको अप्रोच करते हो उसकी भी बात हम लोग आज की क्लास के अंदर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कंसेप्ट सीख लेते हैं, कैसे आप लोग किस इक्वेशन को अप्लाई करने वाले हो, कब अप्लाई करने वाले हो, उन सब चीज़ों को भी हम लोग सीख लेते हैं। तो वीडियो के अंदर बने रहिएगा, वीडियो के एंड तक जाते जाते आप लोग क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन को अच्छे से समझ चुके होंगे, आप सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के आप लोग अब तक कर चुके होंगे। तो पहला केस हमारा क्या लिया है, हमने पहला केस लिया है मेल्टिंग का, क्योंकि आपको पता है सिर्फ मेल्टिंग के लिए या फिर वेपराइजेशन के लिए या फिर सब्लिमेशन के लिए ही आपकी क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या है, वैलिड है। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला निकालेंगे, इसके लिए भी फॉर्मूला निकालेंगे और इसके लिए भी फॉर्मूला निकालेंगे, और बाद में उन फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करना शुरू कर देंगे। तो पहला केस मैंने लिया है मेल्टिंग का, जहाँ पर आपका ट्रांसफॉर्मेशन है सॉलिड से लिक्विड। तो आपको क्लैपेरॉन इक्वेशन से ये पता है कि जो आपका dP/dT होता है, ये आपका बराबर होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी के। उसके बाद आप डेल्टा वी को लिख सकते हो वी लिक्विड माइनस वी सॉलिड, क्योंकि यहाँ पर केस क्या है, मेल्टिंग का है। प्रोडक्ट साइड में आपके पास क्या है, लिक्विड। रिएक्टेंट साइड में आपके पास क्या है, सॉलिड। तो वी एल माइनस वी एस क्या हो जाएगा, आपका डेल्टा वी हो जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। उसके बाद क्या करो, वेरिएबल्स को अलग अलग कर लो ताकि आप लोगों से इंटीग्रेट इजीली कर सको। तो आपने क्या किया, dT को इधर लिया है, बाकी इस फॉर्म के अंदर कहीं भी POT था नहीं, तो आपको कोई और ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत है नहीं, तो आपने इस फॉर्म को यहां तक लिया है। अब ये आपकी रेडी है इंटीग्रेशन करने के लिए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि क्या आपका जो डेल्टा एस है या फिर जो आपका डेल्टा वी है, ये आपका टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड हो रहा है या फिर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं हो रहा, तभी तो आप लोग इसे इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हो या फिर इंटीग्रेशन के अंदर इसे रख सकते हो। तो आप लोग यहां पर कंसीडर कर रहे हो, इफ इट इज कंसीडर दैट डेल्टा एस एंड डेल्टा वी एल माइनस वी, क्या बोलते हैं, डेल्टा एस एंड डेल्टा वी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, देन आप लोग इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हो। अब इस डेल्टा एस और डेल्टा वी का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि आप लोग दिल्ली के अंदर, मान लीजिए आप लोग दिल्ली के अंदर आइस को मेल्ट कर रहे हो, या आप दिल्ली के अंदर कर रहे हो और आप लोग लद्दाख के अंदर भी आइस को मेल्ट कर रहे हो पानी के अंदर, यहाँ पर भी आप वही चीज़ कर रहे हो, यहाँ पर भी आप लोग वही चीज़ कर रहे हो। यहाँ पर P1 T1 अलग अलग है, यहाँ पर आपके पास जो P1 T1 है अलग अलग कंडीशन है, यहाँ पर जो आपके पास P2 V2 T2 है ये एक अलग कंडीशन है। मान लीजिए इस केस के अंदर जो आपका एंट्रोपी चेंज निकला वो आपका डेल्टा एस वन निकला, और इस केस में जो आपका एंट्रोपी चेंज निकला वो आपका डेल्टा एस टू निकला। अब ये आपसे कह रहा है कि अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर, T1 के ऊपर और T2 के ऊपर, आपका जो डेल्टा S1 है और जो आपका डेल्टा S2 है ये सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं हो रहा। आपका जो एंट्रोपी चेंज है वो टेम्परेचर के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब आपका जो डेल्टा S1 है वो अप्रोक्सीमेटली आपका डेल्टा S2 के बराबर है, यानी कि आप इस केस में तो आप उसे इक्वल ही मानकर चल रहे हैं, यानी कि आपका डेल्टा S चेंज इन एंट्रोपी आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, और साथ ही साथ आपका चेंज इन वॉल्यूम भी आपका इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर के। अगर आप यहाँ पर
मान लीजिए आपकी आइस 3 ml की है, वो वॉल्यूम में वाटर में कन्वर्ट होने के बाद वो कितनी बन गई, 2.9 ml की बन गई, क्योंकि जब आपकी आइस मेल्ट होती है तो वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर भी अगर आपके पास 3 ml की आइस होगी, 3 ml आपके पास आइस होगी, तो ये भी आपके पास 2.9 ml ही बनेगी मेल्ट होने के बाद। तो ये चीज़ आप मानकर चल रहे हैं कि आपका डेल्टा एस और डेल्टा वी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया, आप कह रहे हो कि डेल्टा एस डेल्टा वी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, आपने इसको इक्वेशन से बाहर रख दिया, इक्वेशन से बाहर रख दो, डी पी का इंटीग्रेशन पी है, अपर लिमिट माइनस ओवर लिमिट लगाओगे P2 माइनस P1 हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t है, अपर लिमिट माइनस ओवर लिमिट क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1 बन जाएगा। तो बेसिकली आप p2 को इधर रख लीजिए, आपके पास ये इक्वेशन बनकर आ गई। अब ये इक्वेशन आपसे क्या कह रही है, ये इक्वेशन आपसे कह रही है कि अगर आपको p1 t1 पता हो और आपको पूछे कि अगर आपका प्रेशर में चेंज आया, अगर आपका प्रेशर में कोई चेंज आया तो किस टेम्परेचर के ऊपर आपकी मेल्टिंग होगी, किस टेम्परेचर के ऊपर आपकी मेल्टिंग होगी, तो आप लोग इस फॉर्मूले से उसको कैलकुलेट कर सकते हो। या फिर वो क्या बोल सकता है, या फिर वो आपसे बोल सकता है कि अगर आपको P1 T1 पता हो और उसने टेम्परेचर के अंदर चेंज कर दिया तो किस प्रेशर के ऊपर आपकी मेल्टिंग होगी, उसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, बशर्ते आपको डेल्टा एस पता हो प्रोसेस का और आपको डेल्टा वी पता हो प्रोसेस का। एक क्वेश्चन के साथ समझते हैं इसको, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो जैम का मैंने क्वेश्चन लिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन है बिल्कुल, किस तरीके से क्वेश्चन को करना है आपको पता भी चल जाएगा क्वेश्चन को पढ़ते ही। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं, आखिर क्वेश्चन आपसे कह क्या रहा है। क्वेश्चन आपके सामने है, एस्टिमेट द प्रेशर नेसेसरी टू मेल्ट आइस एट -10°C, गिवन दैट डेल्टा एस मेल्टिंग आपको गिवन है, मोलर वॉल्यूम ऑफ आइस गिवन यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपको गिवन है, और मोलर वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको गिवन यानी कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड गिवन है। ये जो क्वेश्चन है किसका क्वेश्चन है, जैम का क्वेश्चन है। जैम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं क्लोजेस्ट क्लैपेरॉन इक्वेशन से, आपके पास कुल मिलाकर 5-6 वेरिएबल है इक्वेशन के अंदर, आपको आधे वेरिएबल दे देगा और एक वेरिएबल छोड़ेगा, उस वेरिएबल को आपको कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए आपसे वो क्या कह रहा है, वो आपसे कह रहा है एस्टिमेट द प्रेशर नेसेसरी टू मेल्ट आइस एट -10°C। अगर आप लोगों को आइस को मेल्ट करना है, आपको पता है कि जो आपकी आइस मेल्ट होती है वो 0°C के ऊपर मेल्ट होती है, उस टाइम पे आपका प्रेशर क्या होता है, 1 atmosphere होता है। तो अगर आपने अगर क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को P1 और T1 नहीं गिवन है, तो उसने आपको क्वेश्चन के अंदर P1 T1 दिया है, कैसे दिया है, उसने आइस वर्ड का यूज़ किया है। जैसे ही वो आइस वर्ड का यूज़ करेगा, वाटर वर्ड का यूज़ करेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी आइस 0°C में मेल्ट होती है अगर आपका प्रेशर 1 atmosphere होता है। तो ये वो मानकर चल रहा है कि ये चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन आपको पता है, और ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी भी चाहिए अगर आप लोग एग्जाम देने के लिए जा रहे हो। तो P1 T1 तो आपको पता है, आपको पता है कि 1 atmosphere के ऊपर वो 0° मेल्ट होती है। तो वो आपसे कह रहा है कि वो -10°C के ऊपर आप उसे मेल्ट करवाना चाहते हैं, तो प्रेशर कंडीशन क्या होगी, यानी कि आपको उसने T2 दिया है, आपसे उसने क्या पूछा है, P2 उसने आपसे पूछ लिया, साथ ही साथ उसने आपको डेल्टा वी भी दे दिया और डेल्टा एस भी दे दिया। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर पुट कीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है कि आपको क्या क्या वेरिएबल्स गिवन है, किस तरीके से आप क्वेश्चंस को अप्रोच करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, सबसे पहले आप लोगों को जो जो वेरिएबल्स गिवन है आप लोग उसको लिख लीजिए। आपको यहाँ पर क्या क्या गिवन है, आपको T1 पता है, T1 और P1 तो आपको पता है, ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी आइस 0° मेल्ट होती है, यानी कि 273 केल्विन के ऊपर मेल्ट होती है, और 1 atmosphere या फिर 1 bar आपका प्रेशर उस टाइम के ऊपर है यहाँ, राइट। उसके बाद उसने आपको T2 पूछा है, आपसे पूछा है कि -10°C के ऊपर किस आप, यानी कि 263 केल्विन के ऊपर आप उसे मेल्ट कराना चाहते हो, तो आपका P2 क्या होगा, डेल्टा एस आपको पता है, डेल्टा वी आपको पता है। आप लोग क्या करना है, सिर्फ आपको वैल्यूज को पुट करना है, ये आपके पास फॉर्मूला है, आप यहाँ पर P2 को पुट कर दीजिए, P1 को पुट कर दीजिए, डेल्टा एस को यहाँ पर पुट कर दीजिए, डेल्टा वी को आपने यहाँ पर पुट कर दिया, यूनिट के साथ आप लोग पुट कीजिए, ताकि आप लोग जब बाद में यूनिट को काटो तो आपको पता होगा किस यूनिट के अंदर आपका आंसर निकल रहा है। तो आपको पता है कि 1 bar के ऊपर, यानी कि 1 atmosphere के ऊपर कुछ भी आप ले सकते हो, 1 bar के ऊपर आपका P1 है, P1 आपके पास क्या है, 1 bar है, जो आपके पास T1 है वो क्या है, 273 केल्विन है, T2 आपको गिवन है 263°, और आपको P2 कैलकुलेट कराया गया है, आपने डेल्टा एस पुट कर दिया 16.3 जूल पर केल्विन, ये आपका मोलर वॉल्यूम था, ये किसका था, लिक्विड का था, ये किसका था, सॉलिड का था। तो यहाँ पर भी आप लोग देख लीजिए, सॉलिड का वॉल्यूम ज़्यादा है लिक्विड से, क्वेश्चन के अंदर वो आपको हर बार ऐसे दे रहा है, जब भी आइस और वाटर की बात हो रही है तो वो आपको सॉलिड का वॉल्यूम ज़्यादा दे रहा है लिक्विड से। तो आप लोग कह भी रहे थे कि आइस का वॉल्यूम जो है वो वाटर से क्या होता है, ज़्यादा होता है। वैल्यूज को पुट कर दीजिएगा, आप कैसे इसको यूज़ करोगे, केल्विन से, आपने केल्विन को काट दिया, ऊपर क्या बच जाएगा, जूल बच जाएगा। और कैलकुलेशन देखिए, जैम का एक क्वेश्चन है, कैलकुलेटर आपके पास नहीं है, लेकिन जो उसने आपको वैल्यूज दी है वो आपको इस तरीके से दी है कि आप लोगों को ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं नेट के अंदर भी, जैम के अंदर भी, जहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। ज़्यादा कैलकुलेशन क्यों नहीं करनी पड़ रही है, क्योंकि आप जब 18.01 के अंदर से माइनस करोगे 19.64 को, तो आपके पास माइनस का 1.63 निकल कर आएगा, और ऊपर आपको एंट्रोपी कहते रखी है 16.3 दे रखे, ताकि ये दोनों एक दूसरे से
कट जाए। तो इस तरह के क्वेश्चंस आजकल आने लगे हैं जहां पर आप लोगों को हार्ड कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपको फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज तो पुट करनी पड़ेंगी। तो आपने इस तरीके से माइनस किया, जहां पर आपके पास माइनस 10 आ जाएगा, ये आपके पास पूरी तरीके से आंसर आ गया। यहां पर इसको आप काट सकते हो, इसको आप लिख दीजिए 16.3 इंटू में 10 क्या हो गया, माइनस से माइनस मैंने यहाँ पर काट दिया है, ध्यान से देखिए इस चीज़ को, माइनस से माइनस मैंने यहाँ पर काट दिया, 16.3 इंटू 10 क्या हो गया, 163 जूल हो गया। नीचे आपके पास क्या है, 1.63 ml है। आपको पता है कि 1 ml के अंदर क्या होता है, 10^-3 लीटर होता है। मैं कन्वर्जन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो आपका P1 दिया हुआ है, जो आपके P1 दिया है वो किस में लिया है, बार में लिया हुआ है। अगर आप लोग बार में किसी चीज़ को ऐड करना चाहते हो तो आपको बार के अंदर ही आप इस चीज़ को ऐड कर सकते हो। अब आपको लीटर बार का और जूल का कन्वर्जन पता है, मैंने आपको पहली क्लास के अंदर जब हम लोग यूनिट कन्वर्जन पढ़ रहे थे वहाँ पर मैंने आपको लीटर बार का और जूल का कन्वर्जन बताया था। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपके एक लीटर बार के अंदर आपके पास 100 जूल होते हैं, या तो आप ये बोल दीजिए या फिर क्या बोल सकते हो, 1 जूल के अंदर आपके 10^-2 क्या होता है, लीटर बार होता है। तो आप लोग जूल को लीटर बार में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इस लीटर को नीचे वॉल्यूम से काटना है तो नीचे भी आपके पास क्या होना चाहिए, लीटर ही होना चाहिए। तो मैंने नीचे क्या किया, ml को मैंने लीटर में कन्वर्ट कर दिया, ऊपर आपके पास जूल था, जूल को मैंने क्या लिख दिया, लीटर बार में कन्वर्ट कर दिया, साथ में 10^-2 का मल्टीप्लाई कर दिया, लीटर से लीटर कट गया, यहाँ भी बार, यहाँ भी बार, यहाँ पे क्या 1 बार, यहाँ पे क्या 1000 बार, तो क्या आ गया P2 आपके पास 1001 बार आपका इस तरीके से निकल कर आ जाएगा। तो यूनिट कन्वर्जन का आपको ध्यान रखना है, जहां पर आपसे वो डायरेक्ट क्वेश्चन को पूछता है वहां पर वो आपको यूनिट कन्वर्जन में घुमा सकता है। आपको यूनिट कन्वर्जन करनी आनी चाहिए, किस तरीके से आप लोग यूनिट कन्वर्जन को कर सकते हो। पता कैसे चलेगा कि आपको यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन करना है, आपको पता तब चलेगा जब आप लोग वैल्यूज़ के साथ यूनिट्स को साथ साथ लिखोगे, साथ साथ उनको काटना भी आप लोग सीख जाओगे। तो फिजिकल केमिस्ट्री में सारे क्वेश्चंस के अंदर आप लोग क्या करना, आप लोग हर एक वैल्यू के साथ यूनिट्स को लिखना सीखिए और उसको काटना सीखिए। तो ये आपके पास जो क्वेश्चन गिवन था, ये आपके पास क्वेश्चन गिवन था, और आपको डेटा किसमें गिवन हो, डेल्टा एस के अंदर आपको डेटा गिवन हो। तो मान लीजिए उसको आपको, उसने आपको डेटा डेल्टा एस में नहीं दिया, उसने आपको डेटा किसमें दे दिया, एंथैल्पी के अंदर दे दिया। आप लोग क्या पढ़ रहे हो, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और गैस से सॉलिड से गैस। यहाँ पर जो आपका डेल्टा एस होता है वो क्या होता है, डेल्टा एच अपॉन में टी होता है। तो आपको डेटा वो डेल्टा एस में भी दे सकता है, डेटा आपको डेल्टा एच में दे सकता है। तो डेल्टा एस का तो आपने फॉर्मूला देख लिया, अगर डेल्टा एच का हुआ तो वो कैसे करोगे, तो आप लोग इसे कन्वर्ट कर लीजिए। डेल्टा पी बाई डेल्टा टी क्या है, डेल्टा एस बाई डेल्टा वी है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच अपॉन टी इंटू में वी एल माइनस का वी एच हो जाएगा। फिर आप लोग क्या करना है, टी वाली टर्म को एक तरफ ले जाइए, पी वाली को एक तरफ ले जाइए, उसके बाद क्या कर दीजिए, उसे इंटीग्रेट कर दीजिए। जैसा आपका डेल्टा एस और डेल्टा वी आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट था, उसी तरीके से आपका डेल्टा एच भी क्या होने वाला है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होने वाला है। तो डेल्टा एच और वी एल माइनस वी एस क्या है, आपका इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। तो आप लोगों ने क्या किया, इसको ढंग से आपने इस तरीके से लिख दिया, dt को आप इधर ले आइए, dt को आपने इधर ले आया, उसके बाद क्या करा, t को dt / t को आपने इधर रखा, बाकी जो आपका पास कांस्टेंट पार्ट था इसको आपने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया, क्योंकि ये आपका टेंपरेचर के ऊपर डिपेंड नहीं हो रहा है। dp का इंटीग्रेशन सेम था, वही था p2 - का p1 अपर लिमिट - लोअर लिमिट मैंने किया है। डेल्टा h / vl - vs आपका पहले से ही बाहर था। 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो गया, lnt आपका इंटीग्रेशन हो गया। जब आप लोग यूनिट्स जब आप लोग लिमिट को लाओगे तो क्या बन जाएगा, ln t2/t1 आपका ये बन जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन कैसी आ जाएगी, कुछ इस तरीके की आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, p2 इक्वल टू p1 प्लस डेल्टा एच अपॉन में vl माइनस vs इंटू में 2.303। जब मैंने ln को लॉग में कन्वर्ट किया तो मैंने 2.303 को लगा दिया, लॉग t2/t1। तो ये आप फॉर्मूला यूज़ करोगे जब आपको डेटा किस में गिवन होगा, डेल्टा एच के अंदर जब आपको डेटा गिवन होगा तब आप लोग इस फॉर्मूले को यूज़ करोगे। क्वेश्चन कैसे आएगा, वही आपको p1 t1 आपको पता होना चाहिए वाटर के लिए। अगर कोई और सब्सटेंस देगा तो आपको P1 T1 भी गिवन होगा, या फिर आपको P2 देके रखेगा, या फिर आपको T2 देके रखेगा। T2 देगा तो P2 पूछेगा, P2 देगा तो T2 पूछेगा। आपको डेल्टा एच और डेल्टा वी भी आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, या फिर वो आपको P2 P1 T2 और T1 दे देगा, और आपको ये भी दे देगा डेल्टा वी, और आपसे वो एंथैल्पी भी पूछ लेगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं जहाँ पर वो आपको एक वेरिएबल छोड़ देगा, बाकी सारे वेरिएबल वो आपको दे देगा। बेसिकली आपके इस केस में कितने वेरिएबल हैं, 6 आपके पास वेरिएबल हैं, डेल्टा वी है, डेल्टा एच है, P1 है, P2 है, T1 है, T2 है। तो आपको इन 6 के अंदर से 5 वेरिएबल दे देगा, छठा आपसे पूछ लेगा, कोई भी वो आपसे पूछ सकता है। अब सेकंड केस पढ़ते हैं, जैसा क्वेश्चन उसका आया था उसी तरीके क्वेश्चन आप इसका भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सेम वही है, बस डेल्टा से क्या गिवन आपको, डेल्टा एच आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। अब हम पढ़ते हैं वेपराइजेशन का केस। देखिए बेसिकली वेपराइजेशन क्या होता है, आपका कन्वर्जन गैस के अंदर।
तो अगर आप लोग लिक्विड से गैस में जाओगे उसको भी आप वेपराइजेशन बोल सकते हो, जब आप लोग सॉलिड से गैस में जाओगे वो भी एक तरीका क्या है, वेपराइजेशन ही है। लेकिन जनरली जब लिक्विड का केस होता है तो उसको हमने वेपराइजेशन नाम से क्या किया हुआ है, उसको हमने पॉपुलर किया हुआ है। लेकिन जब आप लोग सॉलिड से गैस में जा रहे हो उसको भी आप लोग वेपराइजेशन बोल सकते हो, लेकिन उसका एक नया नाम भी दिया हुआ है केमिस्ट्री के अंदर, क्या दिया हुआ है, सब्लिमेशन दिया हुआ है। तो सब्लिमेशन केस के अंदर और वेपराइजेशन केस के अंदर आपका सिर्फ एक ही फॉर्मूला बनेगा, एक फॉर्मूला आपका बन गया सॉलिड से लिक्विड के लिए और एक फॉर्मूला आपका बनेगा लिक्विड से गैस के लिए और सॉलिड से गैस के लिए, जो कि आपका बेसिकली क्या होता है, वेपराइजेशन होता है। तो ये आपका किसके लिए हो गया, ये आपका हो गया सॉलिड से लिक्विड के, जो आप लोग पढ़ चुके हो डेल्टा एच की फॉर्म के अंदर भी और डेल्टा एस की फॉर्म के अंदर भी। अब आपको सेम फॉर्मूला डिराइव करना है जब आप लोग लिक्विड से गैस जाओगे और सॉलिड से गैस में जाओगे, और बेसिकली इन दोनों के जो आपका फॉर्मूला होता है वो लगभग लगभग सेम होता है। क्या सेम होता है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग किसकी बात करते हैं, लिक्विड से वेपर की बात करते हैं। मान लीजिए आपका बस केस कैसा है, लिक्विड से वेपर का आपके पास केस है, तो क्लैपेरॉन से आपको पता है डीपी बाई डी टी इक्वल टू डेल्टा बाई टी इंटू डेल्टा वी होता है। डेल्टा वी को आपने लिख दिया वी वेपर माइनस का वी लिक्विड। अब आपको पता है कि वेपर का वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा होता है लिक्विड से भी और सॉलिड से भी, तो आप लोग बोल सकते हो कि जो वी का वेपर होता है वो बहुत ज़्यादा ज़्यादा होता है वी ऑफ लिक्विड से। आप लोग वी वेपर माइनस वी लिक्विड क्या लिख सकते हो, वी वेपर ही आप लोग इसको लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसको वी लिक्विड को क्या कर देता हूँ, उसको मैं इग्नोर कर देता हूँ। तो साथ ही साथ आप लोगों ने यहाँ पर क्या लिख दिया, वी वेपर बोल दिया। अगर आप कह रहे हो कि जो आपके वेपर में कन्वर्जन हो रहा है, अगर आपका सब्सटेंस लिक्विड स्टेट से गैसीय स्टेट में जा रहा है और गैसीय में जाते हुए वो कैसा हो रहा है, वो आइडियली बिहेव कर रहा है, तो आप लोग आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हो वेपर के लिए। तो आप लोग क्या लिख सकते हो, आप लोग वी ऑफ वेपर क्या लिख सकते हो, आर टी अपॉन में पी लिख सकते हो, क्योंकि आपका पी वी इज इक्वल टू आर टी होता है वन मोल के लिए। तो वी क्या हो जाएगा आपका, आर टी अपॉन में पी हो जाएगा। तो वी ऑफ वेपर क्या हो गया, आर टी अपॉन में पी आपका ये हो गया, इसको आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद आपको पता है, आपने इसकी वैल्यू वेपर पुट कर दो तो क्या क्या बन जाएगा आपका, डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपर्स अपॉन में टी इंटू में आर टी बाई पी। पी को आप ऊपर ले आइए, क्या हो गया, डेल्टा एच वी इंटू में पी इंटू में आर टी का स्क्वायर। ये वी मल्टीप्लाई में नहीं है, डेल्टा एच वेपराइजेशन का वी है, ये डेल्टा एच वेपराइजेशन का वी है ये। तो ये आपके पास क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। पी वाली टर्म को एक साइड ले आइए, टी वाली को एक साइड ले जाइए, उसके बाद क्या कर दीजिए, उसे इंटीग्रेट कर दीजिए। और मान के चलना है आपको कि डेल्टा एच वेपराइजेशन क्या है आपका, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ये आपको मानकर चलना है इंटीग्रेशन करते वक्त। तो आप लोग इंटीग्रेट कर सकते हो। अब यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे दो केसेस के अंदर, लिमिट्स के साथ भी और विदाउट लिमिट भी। अब यहाँ पर हम लोग दो केस क्यों बना रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं एग्जाम के अंदर, जहाँ पर वो विदाउट लिमिट के बाद जो आपकी इक्वेशन आती है उसका यूज़ करता है। गेट के अंदर भी क्वेश्चन आ चुका है और नेट के अंदर भी आपका क्वेश्चन आ चुका है विदाउट लिमिट को इंटीग्रेट करते हुए। तो हम लोग दोनों को ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, क्वेश्चन आपका यहाँ से भी आता है। तो अगर आप लोग इस इक्वेशन को विदाउट लिमिट इंटीग्रेट करोगे तो डी पी बाई पी क्या हो गया, एल एन पी हो गया, डेल्टा एच बाई आर पहले से ही बाहर था, डी टी बाई टी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, माइनस का वन बाई टी हो जाएगा। आपको पता है कि एक्स की पावर एन का डी एक्स क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपोन में एन प्लस वन। यहाँ पर आपके पास क्या है, टी की पावर माइनस टू का डी टी है, तो क्या बन जाएगा, टी की पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस टू प्लस वन, यानी कि क्या, टी की पावर माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस वन, यानी कि माइनस का वन बाई टी। तो डी टी बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस का वन बाई टी। आपने इसको यहाँ पर पुट कर दिया तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई। विदाउट लिमिट आप इंटीग्रेट करो, साथ में कोई ना कोई कॉन्स्टेंट आपको लगाना पड़ता है। अब इसका यूज़ वो कैसे करता है, इसका यूज़ वो कर सकता है, वो आपको ग्राफ देता है, या तो आपको इस फॉर्म की इक्वेशन दे देगा या तो फिर वो आपको ग्राफ दे देगा एल एन पी और वन बाई टी का। अगर आप लोग यहाँ पर देखते हो कि एल एन पी और वन बाई टी का ग्राफ क्या बनेगा, तो आपका ग्राफ बनेगा स्लोप कैसा, आपके पास नेगेटिव, आपके पास स्लोप है, तो नेगेटिव स्लोप है, तो आप इस तरीके की आपकी लाइन बनेगी और स्लोप क्या हो जाएगा, डेल्टा एच वी अपोन में आर हो जाएगा, डेल्टा एच वेपराइजेशन अपोन में आर आपके पास हो जाएगा। तो अगर उसने आपको किसी तरीके ग्राफ दिया हुआ है तो इसका मतलब उसने आपको क्या दिया हुआ है, डेल्टा एच वेपराइजेशन दिया हुआ है, क्योंकि उस ग्राफ का स्लोप किसके बराबर है, डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन में आर के बराबर है, और आर आपका कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू आपको पता है। तो अगर आपको स्लोप पता है तो आपको डेल्टा एच वेपराइजेशन पता है, तो इस तरीके से भी वो आपको डेल्टा एच वेपराइजेशन कैलकुलेट करा सकता है। और जो इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है, ये इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं। खत्म करने के बाद मैं लास्ट में आपको इकट्ठा दूंगा कि क्या क्या आपको याद करना है, अभी कंफ्यूज मत होइए कि क्या क्या आप लोग इसके अंदर याद करना है, मैं लास्ट में आपको लिख कर दूंगा कि क्या क्या आप लोगों को इसके अंदर से याद करना है। तो आपको ये फॉर्म से ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं, ग्राफ के ऊपर से भी क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर मैं ग्राफ को एल एन की जगह लॉग में लेता हूँ, मान लीजिए आपका ग्राफ किसके अंदर है, लॉग के अंदर, ये ग्राफ लॉग के अंदर है, तो आपका स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस का एच वी इंटू में टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री
इंटू में आर, तो मुझे जब मैं एल एन से लॉग में जाऊंगा तो मुझे 2.303 से मल्ट क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई मुझे करना पड़ेगा, तो वो चीज़ भी आप लोग देख सकते हो। तो ये आपका स्लोप होगा इस तरीके से। तो अगर आप लोग लिमिट्स के साथ अगर आप लोग इंटीग्रेट करना चाहो इस इक्वेशन को तो कैसे करोगे, मान लीजिए कि ये आपके पास लिमिट्स है, आपको इसी को इंटीग्रेट करना है, लिमिट आपके पास गिवन है P1 टेम्परेचर के ऊपर, T1 टेम्परेचर T1 था, P2 के ऊपर आपका टेम्परेचर क्या है T2 है, अब लिमिट्स आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सिर्फ लिमिट्स लगानी है P1 से P2, और यहाँ पर क्या करना है T1 से T2, और कांस्टेंट आपका कट जाएगा। तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, एल एन P2 बाई P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन में आर इंटू में माइनस का 1/T के ऊपर लिमिट लगा दीजिए। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो इक्वेशन बनकर आएगी वो आएगी एल एन P2 बाई P1 इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन में आर इंटू में T2 माइनस T1 अपॉन में T1 T2। तो आपको ये इक्वेशन पता होनी चाहिए, आपको ये ग्राफ पता होना चाहिए, और आपको ये इक्वेशन पता होनी चाहिए। बेसिकली इन तीनों के ऊपर से क्वेश्चन आ चुके हैं, ग्राफ के ऊपर से भी आ चुका, इसके ऊपर से भी आ चुका, और इसके ऊपर से तो क्वेश्चन आते ही हैं हर एक एग्जाम के अंदर। तो आपको ये तीनों चीज़ें याद होनी चाहिए। तो इन तीनों चीज़ों को एक साथ लिख लेते हैं कि क्या क्या आपको याद करना है इन केस ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड। तो आपको पता होना चाहिए वेपराइजेशन को कैसे करोगे, लिक्विड से वेपर के अंदर जाओगे। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्लैपेरॉन इक्वेशन है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्लैपेरॉन इक्वेशन है। आपने क्या किया, आपको पता है कि आप जब इसका स्लोप देखते हो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से क्लैपेरॉन इक्वेशन आप इसको करोगे तो dP/dt आपके पास क्या है, ये आपका लिक्विड वेपर कर्व के लिए आप इसको स्लोप भी बोल सकते हो। ये आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एच वी अपॉन में आर T² इंटू में P। ये कब होगा, जब आपका डेल्टा वी आपके पास क्या था, वी वेपर माइनस का वी लिक्विड, इसको आप क्या बोल सकते हो, वी वेपर के बराबर बोल सकते हो, और वी वेपर आपके पास क्या है, RT/P है। तो यहाँ पर डेल्टा वी की जगह पुट कीजिए RT/P, तो आपके पास बन के आ जाएगा डेल्टा एच वी अपॉन में RT²/P, जो हमारा इस केस में यहाँ पर निकल कर आया था। हमने यहाँ पर जब इसको पुट किया था तो आपके पास यही फॉर्म निकल कर आई थी, dP/dt आपके पास क्या था, डेल्टा एच वी अपॉन में RT²/P। आपको ये फॉर्म भी पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुके हैं, क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा आज की क्लास के अंदर कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आपको याद क्या करना है, पहले मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो आपको ये भी पता कि लिक्विड अपर कर्व का जो आपका स्लोप होता है वो क्या होता है, डेल्टा एच वी अपॉन में RT²/P भी हो सकता है, और डेल्टा एच अपॉन में T * डेल्टा वी भी हो सकता है। इसमें डिफरेंस कुछ भी नहीं है, डेल्टा एच वी जगह मैंने क्या रखा, वी और वेपर रखा, फिर मैंने उसे क्या रख दिया, RT/P रख दिया। तो ये दोनों बेसिकली क्या है, एक ही चीज है। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन याद होनी चाहिए, लॉग पी आपके पास क्या हो गया, इक्वल टू माइनस का डेल्टा एच वी अपॉन में 2.303 RT प्लस का कांस्टेंट। बेसिकली जो मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया लास्ट के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर जो यहाँ ग्राफ के अंदर जो मैंने आपको स्लोप बताया है, यहाँ पर जो आपका 2.303 है ये नीचे ना आकर, ये ऊपर ना आकर, ये 303 कहाँ पर आएगा, नीचे आएगा 2.303, ये यहाँ पर आएगा। क्योंकि जब आप लोग ln को चेंज करोगे तो आप लोग यहाँ पर लिखोगे 2.303 log of p, और फिर जब ये 2.303 इधर आएगा तो ये यहाँ की जगह कहाँ पर आएगा, डिवाइड में आएगा 2.303। तो जिससे जो आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स गिवन है तो वहाँ पर भी आप इसको करेक्शन कर लीजिए कि जो आपका 2.303 है ये डिनोमिनेटर में आएगा स्लोप निकालते वक्त log p और T1/T का ग्राफ के अंदर। तो आप लोगों को इक्वेशन भी याद होनी चाहिए, इक्वेशन आपके पास क्या है, log p इक्वल टू माइनस डेल्टा एच वी अपॉन में 2.303 RT प्लस का कांस्टेंट। ये डेल्टा एच वी का वी वॉल्यूम नहीं है, ये डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन है। तो अगर आप लोग ग्राफ बनाओगे 1/T का और log p का, तो ये आपके पास क्या हो जाती है, ये आपके पास स्लोप हो जाती है माइनस डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन अपॉन में 2.303 इंटू में आर। तो ये इक्वेशन आपको log वाली फॉर्म में भी याद होनी चाहिए और आपको ln वाली फॉर्म में भी याद होनी, किसी भी एक फॉर्म में आप कर लीजिए, बात आपके पास सेम ही है, आप इसमें याद कर लीजिए या फिर आप इसमें याद कर लीजिए। उसके बाद जब आप लोग लिमिट्स ला के इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास बन जाएगा log P2/P1 इंटू में डेल्टा एच वी अपॉन में 2.303 RT²/T1 माइनस का, ये आपके पास बन जाएगा। ये आपके पास दोनों ग्राफ जो आपको हैं ये भी याद होने चाहिए, एल एन पी और 1/T का क्या होगा और log p ऑफ 1/T का क्या होगा। अब इस इक्वेशन को याद कैसे करें, क्योंकि जो आपके पास इक्वेशन निकल कर आई है इस टाइप की इक्वेशन आप लोग केमिस्ट्री के अंदर पढ़ भी चुके हैं और ये इक्वेशन आपको याद भी है। कहाँ पढ़ी है आपने, आपने आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ी होगी, जहाँ पर आप क्या बोलते हो कि आपका जो रेट कॉन्स्टेंट होता है वो क्या होता है, a इंटू में e^-ea अपॉन में RT। फिर आप कहते हो कि T1 टेम्परेचर के ऊपर आपका K1 है, फिर आप कहते हो कि K2 के पास क्या है, a इंटू में e^-ea अपॉन में RT2 है, फिर आप लोग इसे डिवाइड करते हो, फिर आपके पास इक्वेशन बनकर जिसे आप क्या बोलते हो, आर्हेनियस इक्वेशन बोलते हो, log ऑफ K2/K1 इक्वल टू क्या, e अपॉन में 2.303 r इंटू में T2 माइनस T1 अपॉन में T1 T2। तो बेसिकली ये इक्वेशन और ये इक्वेशन लगभग सेम ही है, बस एक्टिवेशन एनर्जी की जगह क्या आया हुआ है, डेल्टा एच वी आया हुआ है, और K2 K1 की जगह क्या आया हुआ है, P2 P1 आया हुआ है। तो बेसिकली एक सेम फॉर्मेट की ही इक्वेशन है,
ऐसा सेम फॉर्मेट आप लोग इक्विलिब्रियम के अंदर भी पढ़ते हो, जहाँ पर आप लोग पढ़ते हो क्या वांट ऑफ इक्वेशन क्या होती है, वो लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम अपॉन लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम टू अपॉन में के इक्विलिब्रियम इक्वल टू क्या होता है डेल्टा एच अपॉन में 2.303 आर इंटू में टी टू माइनस टी वन अपॉन में टी वन इंटू में टी टू। तो ये आपके पास होती है वांट ऑफ इक्वेशन, ये आपके पास होती है आरहेनियस इक्वेशन, ये आपके पास क्या है क्लोसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। बेसिकली चार चार साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, क्लोसियस की बात कर रहे हैं, क्लैपेरॉन की बात कर रहे हैं, आरहेनियस की बात कर रहे हैं और वांट ऑफ की बात कर रहे हैं। इन चारों की जो इक्वेशन है वो लगभग लगभग आपके पास एक सेम फॉर्म की इक्वेशन है, किसी भी एक को याद कर लीजिए बाकी फॉर्म आपको अपने आप से याद हो जाएंगी। तो ये बात हमने किसके लिए पढ़ी है, ये बात हम लोगों ने पढ़ी है जब आपका कन्वर्जन कैसा है लिक्विड से वेपर में आप जा रहे हो, यानी कि वेपराइजेशन की आप लोग क्या कर रहे हो बात कर रहे हो। तो आपको ये भी पता है कि जब आप लोग सॉलिड से वेपर में जाओगे तो यहां पर जो आप अमाउंट की हीट दे रहे हो उसका क्या बोलते हो डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन बोलते हो, यहां पर जो आप हीट दोगे उसका क्या बोलोगे डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन बोलोगे, बस इतना फर्क आएगा। और आप लोग यहां पर क्या कर रहे थे वॉल्यूम ऑफ वेपर को आप और माइनस के वॉल्यूम लिक्विड क्या लिख रहे थे लगभग लगभग वॉल्यूम ऑफ वेपर लिख रहे थे। तो यहाँ पर भी आप वो चीज़ कर सकते हो वॉल्यूम ऑफ वेपर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या लिख सकते हो आप वॉल्यूम ऑफ वेपर के बराबर लिख सकते हो, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वेपर तो आपका लिक्विड से बड़ा होता है और सॉलिड से तो और भी ज़्यादा बड़ा होता है। तो जो भी आपने चीज़ें यहाँ पर की है वो सेम चीज़ आप लोग यहाँ पर करोगे और सेम तरीके से अगर आप डेरिवेशन करोगे, अगर आप लोग इसी तरीके से डेरिवेशन करोगे किस केस के लिए सॉलिड से गैस जाने के लिए, तो बस जहाँ जहाँ पर डेल्टा एच हुई है वहाँ वहाँ पर क्या आ जाएगा डेल्टा एच सबली आ जाएगा, जहाँ जहाँ डेल्टा एच पर क्या आ जाएगा डेल्टा एच सबली आ जाएगा, डेल्टा एच सबली आ जाएगा हर जगह। और जो आपके पास रिजल्ट्स निकल कर आएंगे इन रिजल्ट्स को आप लोग निकाल कर देखिए, जैसे हम लोगों ने एज इट इज आपको करना है, जैसे हम लोगों ने लिक्विड से गैस के लिए किया है बिल्कुल सेम आपको सॉलिड से गैस के लिए करना है। फर्क कहां पर आएगा जहां जहां पर आप लोगों का डेल्टा एच वी है वहां 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 पर आपका डेल्टा एच सबलिमेशन आ जाएगा। और मैं यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ कि आप लोग क्या रिजल्ट निकल कर आएंगे, बिल्कुल सेम रिजल्ट आएगा उसी तरीके से, बस जहाँ जहाँ पर आपके डेल्टा एच वी है वहाँ वहाँ पर क्या आ जाएगा आपका डेल्टा एच सबली आ जाएगा, बाकी सारी बातें क्या हैं सेम है। तो आपको पता है कि जो आपका डी वी बाई डी टी है वो क्या होगा डेल्टा एच सबली बाई टी इंटू में डेल्टा वी, फिर डेल्टा वी को आप वी वेपर कर सकते हो, वी वेपर को आप आइडियल इक्वेशन लगा के ये लिख सकते हो कि डेल्टा पी बाई डेल्टा टी स्लोप ऑफ सॉलिड से वेपर में क्या हो जाएगा आपका डेल्टा एच सबली बाई आर टी स्क्वायर इंटू में पी, ये आपका सॉलिड से वेपर के लिए है। और ये आपको पीछे वाला जो हमने पढ़ा था किसके लिए था लिक्विड से वेपर के लिए था। उसके बाद आपको ये इक्वेशन याद करनी है, ये कैसी इक्वेशन है आप लोग इंटीग्रेट करोगे विदाउट लिमिट्स, क्या इक्वेशन अगर आएगी LNP equal to minus delta H sub by RT plus constant, बिल्कुल सेम है बस यहां पर delta H sub लग गया, जो इनके ग्राफ बनेंगे ग्राफ भी आपका बिल्कुल सेम निकल कर आएंगे, बस जो स्लोप होगा वो डेल्टा एच माइनस डेल्टा एच वी अपॉन आर की जगह क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा एच सबली बाय आर हो जाएगा। ये इतना सा डिफरेंस आएगा अगर आप लोग लिक्विड से वेपर में और सॉलिड से वेपर के अंदर जा रहे हैं। बेसिकली दोनों ही केस क्या होते हैं, दोनों ही केस आपका वेपराइजेशन का ही होता है, लेकिन लिक्विड से वेपर को वेपराइजेशन बोल बोल के बहुत पॉपुलर कर रखा है, और जो सॉलिड से वेपराइजेशन होता है, जो सॉलिड का वेपराइजेशन होता है उसको हम एक अलग टर्म बोलते हैं सब्लिमेशन बोलते हैं। तो आपका सेम फॉर्मूला तो आना ही था क्योंकि दोनों प्रोसेस क्या है एकदम सेम ही है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आपका क्लोसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या आएगी, इंटीग्रेटेड फॉर्म क्या आएगी, तो ये आपके पास जो है वो आपके पास इंटीग्रेटेड फॉर्म आएगी। तो सब कुछ सेम है, बस डेल्टा एच वी की जगह कि आप यहाँ पर क्या आ गया डेल्टा एच सब्लिमेशन आ गया। तो इन चीज़ों को आप डिराइव करके देखिए कैसे आप लोग डिराइव कर सकते हो, बिल्कुल सेम आपको करना है जैसे आप लोगों ने लिक्विड से वेपर के अंदर किया है, बिल्कुल सेम आपको इस केस के अंदर यहाँ पर करना है। अब इस लेक्चर के अंदर आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आपसे प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं जैम के अंदर नेट के अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं, कुछ समथिंग अराउंड 8 से लेकर 9 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन सोल्व भी हैं, कुछ क्वेश्चन मैं आपको सारे बेसिकली आपको मैं सोल्व कराऊंगा, ये कुछ मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिए हुए हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन यहाँ पर मैंने सोल्व किया हुआ पहले उसी की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास क्या है, ये क्वेश्चन आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके पास, द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ वेपर प्रेशर। देखिए एक बात मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप लोग यहाँ पर लिक्विड से वेपर में जा रहे हो या फिर आप लोग सॉलिड से वेपर के अंदर जा रहे हो, तो जो आपका P2 होगा या फिर आपका जो P1 होगा ये बेसिकली क्या होगा आपका प्रेशर होगा वेपर का, तो इसको आप लोग वेपर प्रेशर भी बोल सकते हो। तो क्वेश्चन के अंदर जब भी आपका वेपर प्रेशर आएगा तो समझ जाना कि यहाँ पर आप लिक्विड में आप लोग वेपर के अंदर कन्वर्जन कर रहे हो, और प्रेशर आप क्या बोल सकते हो वेपर प्रेशर बोल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लैपेरॉन इक्वेशन को यूज़ करते हुए फिर क्लोसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन को यूज़ करते हुए जनरली वो P2 क्या बोलेगा वेपर प्रेशर बोलेगा, क्योंकि आप लोग वेपराइजेशन के केस के अंदर आप वेपर के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो और उसको वेपर प्रेशर बोलेगा। तो वेपर प्रेशर से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बेसिकली जो वेपर का प्रेशर होता है उसको क्या बोलते हैं आप लोग वेपर प्रेशर बोलते हो। तो आपके पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्वेश्चन आपके पास है द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड ए कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, ये आपको इक्वेशन दी हुई है, एंड दैट ऑफ लिक्विड ए
इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। सोलिड एक सोलिड एक ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है, लिक्विड एक ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है। द टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ ए विल बी, उसने आपसे टेम्परेचर पूछा है ट्रिपल पॉइंट ऑफ ए, ट्रिपल पॉइंट के ऊपर आपका टेम्परेचर क्या है, उसने आपसे ये पूछा है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को देखकर आपको डरना नहीं है, आपने ये क्वेश्चन कर लिया आज की क्लास के अंदर ही, आपने क्वेश्चन कर रखा है, हम लोग इसे करेंगे भी। ये क्वेश्चन गेट फिजिक्स के अंदर आया था, समथिंग अराउंड 2003 के अंदर क्वेश्चन आया था गेट फिजिक्स के अंदर, और यही सेम क्वेश्चन नेट के अंदर 2015 के अंदर पूछा गया 4 मार्क्स का। फिजिक्स के अंदर पहले आ चुका है और गेट के अंदर पहले आ चुका है, फिजिक्स गेट के अंदर आ चुका है, और ये सेम क्वेश्चन उठा के उसने किसी के अंदर पूछ लिया नेट के अंदर, वैल्यूज को भी चेंज नहीं किया, एकदम सेम क्वेश्चन पूछा उसने नेट 2015 के अंदर 4 मार्क्स का। अब इस क्वेश्चन को आपको करना क्या है, तो आपको सबसे पहले थोड़ी बहुत जानकारी किसकी होनी चाहिए, फेज डायग्राम की आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो वो आपको है, आपको पता है कि आपके पास कुछ फेज डायग्राम इस तरीके का होता है जिसके अंदर आपको कुछ इस तरीके का आपका कन्वर्जन होता है, तो ये चीज़ें आपको पता है। अब आपको पता है कि ये जो पॉइंट होता है जहाँ पर आपकी तीनों की तीनों लाइन आकर मिलती है, इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप लोग बोलते हो ट्रिपल पॉइंट, इसको आप क्या बोलते हो ट्रिपल पॉइंट आप इसको बोलते हो। तो ट्रिपल पॉइंट के ऊपर आकर आपका सॉलिड से लिक्विड कर्व मिलता है, लिक्विड से वेपर कर्व मिलता है, और सॉलिड से गैस वाला कर्व, यानी कि तीनों कर्व आके यहाँ पर आपके मिल जाते हैं। तो बेसिकली बात क्या है, इस पॉइंट के ऊपर, इस ट्रिपल पॉइंट के ऊपर आपका पी और टी तीनों फॉर्म के लिए आपका क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, चाहे आपका गैस फॉर्म हो, चाहे आपका सॉलिड फॉर्म हो, या फिर आपका लिक्विड फॉर्म हो। और बेसिकली ट्रिपल पॉइंट वही टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन होती है जिस पॉइंट के ऊपर आपका कोई भी सब्सटेंस किसी भी फेज के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है, वो सॉलिड के अंदर भी एग्जिस्ट कर सकता है, वो लिक्विड के अंदर भी एग्जिस्ट कर सकता है, और वो गैस के अंदर भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो आपको पता है कि ट्रिपल पॉइंट के ऊपर, यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है ट्रिपल पॉइंट, ऑल थ्री ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आप पढ़ते हो, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर, सॉलिड से वेपर, मर्ज इन टू ईच अदर, हैंस वी कैन से एट ट्रिपल पॉइंट जो आपका प्रेशर होगा सॉलिड का, वो आपका प्रेशर लिक्विड का सेम, क्योंकि आप लोग कह रहे हो उस ग्राफ से ऊपर कि आपके इस पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर है वही प्रेशर सॉलिड का भी है, वही प्रेशर लिक्विड का भी है, वही प्रेशर गैस का भी है। अगर आपका प्रेशर ऑफ सॉलिड इक्वल टू प्रेशर ऑफ लिक्विड है, तो लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ सॉलिड इक्वल टू लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ वो आपका वेपर के, लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ वेपर आपका होगा ही होगा। अगर आपका प्रेशर ऑफ सॉलिड इक्विड है, सॉलिड इक्वल है प्रेशर ऑफ लिक्विड के, तो अगर मैं दोनों साइड लॉग लूं तो क्या फर्क पड़ेगा, लॉग भी आपका क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, यानी कि लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या रहेगा, लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ लिक्विड रहेगा। और लॉग की टर्म आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, आपको गिवन है लॉग पी, ये आपको गिवन है किसके लिए, ये गिवन है सॉलिड के लिए, ये गिवन किसके लिए, गिवन है लिक्विड के लिए। आपको बेसिकली इन दोनों को सिर्फ इक्वल करना था, अगर आप लोग इन दोनों को इक्वल पुट करोगे तो यहाँ से जिस टेम्परेचर के ऊपर इक्वल हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर बोलते हैं, और यही आपसे पूछा गया था। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर निकल कर आएगा 200 केल्विन आपसे निकल कर आएगा, और ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ठीक हो जाएगा। 4 मार्क्स का था नेट के अंदर, कुछ भी नहीं करना, 2 इक्वेशन की हुई थी उनको आपको बस सोल्व करना है, आपको बस पता होना चाहिए कि ट्रिपल पॉइंट के ऊपर आपका प्रेशर सॉलिड का भी और लिक्विड का भी क्या होता है, सेम होता है। ट्रिपल पॉइंट के ऊपर सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस कोई भी फॉर्म आपको दी गई हो, तीनों फॉर्म के अंदर प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन क्या होती है, सेम होती है। अगर आपका प्रेशर सॉलिड का प्रेशर लिक्विड का सेम है तो लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ सॉलिड, लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या होगा, सेम होगा। तो जो आपको गिवन भी था इसको आपने इक्वल पुट कर दिया, टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर आपका हो जाएगा। सॉरी अगर मैं इसको क्रिटिकल टेम्परेचर बोल चुका हूँ, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर बोलते हो। तो ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर के ऊपर आपका प्रेशर सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का सेम होता है। अगर उनका प्रेशर सेम होता है तो उनका लॉगरिथम भी क्या होगा, सेम होगा। आपको इसको इक्वल पुट करना था, इक्वल पुट करने के बाद आपका ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर निकल कर आ जाएगा 200 केल्विन, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ट्रिपल पॉइंट के ऊपर आपका टेम्परेचर तो ठीक है निकल गया आपका, ट्रिपल पॉइंट के ऊपर आपका प्रेशर क्या है, प्रेशर आप कैसे निकालोगे। तो आपको पता है अगर आपका ट्रिपल पॉइंट आपका निकल गया तो इस ट्रिपल पॉइंट को, इस ट्रिपल पॉइंट को जो आपके पास निकला है उसको एक इक्वेशन के अंदर पुट कर दीजिए, पी निकाल लीजिए, या फिर इसके अंदर पुट कर दीजिए, पी निकाल लीजिए, आपका सेम निकल कर आएगा। तो इसको निकाल कर देखिए, एक बार यहाँ पर पुट कीजिए 200 केल्विन को, एक बार यहाँ पुट कीजिए 200 केल्विन को, आपका जो निकल कर आएगा आंसर वो आपके पास सेम निकल कर आएगा, क्योंकि ट्रिपल पॉइंट के ऊपर आपका प्रेशर सेम होता है सॉलिड का भी और लिक्विड का भी। तो टेम्परेचर उसने पूछ लिया है, प्रेशर वो पूछ सकता है, प्रेशर कैसे निकालना है आपको, जो टेम्परेचर आपका निकल कर आया उसकी वैल्यू आप यहाँ पे इसके अंदर पुट कर दीजिए, पी निकाल लीजिए, फिर इसके अंदर पुट कर दीजिए, पी निकाल लीजिए। कोई बहुत बड़ी डील यहाँ पर है नहीं, कोई बहुत बड़ी मैथमेटिक्स यहाँ पर यूज होगी नहीं। तो आप लोग इसको आराम से कर सकते हो, CSIR नेट के अंदर 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, पहले गेट के अंदर आया था 2003 के अंदर फिजिक्स के अंदर, वो सेम क्वेश्चन उठा के पूछ लिया उसने किसके अंदर, नेट 2015 के अंदर। तो चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन जो मैंने आज यहाँ पर कुछ लिए हैं उन क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की,
पहला क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर लिया है जैम 2013 का लिया हुआ है, जो मैं आपसे कह रहा था कि आपको विदाउट लिमिट जो आपके पास इंटीग्रेटेड फॉर्म निकल कर आएगी आपको उसको याद करना है। एक क्वेश्चन आप कर चुके हो जो नेट में 4 मार्क्स का आया था, एक क्वेश्चन ये रहा। यहाँ पर भी आप लोग देखते पा सकते हो क्या यूज़ होने वाला है। यहाँ पर जो फॉर्म आपने अभी भी पढ़ी है, कौन सी फॉर्म आपने पढ़ी थी? विदाउट लिमिट के जो आपने इंटीग्रेशन किया था आपका, वही चीज़ यहाँ पर भी यूज़ हो रही है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ क्या थी आपकी, वो फॉर्म क्या थी? आप वहाँ पर देख रहे थे कि आपका लॉग ऑफ पी था वो क्या था, कॉन्स्टेंट माइनस का डेल्टा एच वी या फिर डेल्टा एच सबली, जो भी आपके पास क्वेश्चन के अंदर गिवन हो, डेल्टा एच वी या फिर डेल्टा एच सबली अपॉन में क्या, आर इंटू में टी। ये आपके पास फॉर्म थी और ये फॉर्म आपको याद होने चाहिए। विदाउट लिमिट जब हम लोग इंटीग्रेट कर रहे तब आपने इस चीज़ को देखा था। तो अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इज गिवन एज, आपको लॉग ऑफ पी ऑफ सॉलिड गिवन है, ये रहा, लॉग ऑफ पी ऑफ लिक्विड गिवन है, ये रहा, वेयर पी सॉलिड एंड पी लिक्विड आर द वेपर प्रेशर इन टोर, टोर के अंदर आपको गिवन है, ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड क्लोरीन नियर द ट्रिपल पॉइंट रेस्पेक्टिवली, एंड टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, द रेशो ऑफ स्लोप ऑफ सॉलिड गैस कर्व टू द स्लोप ऑफ लिक्विड गैस कर्व एट ट्रिपल पॉइंट पी टी डायग्राम इज। तो आपको बेसिकली क्या निकालना है, आपको स्लोप निकालना है पीटी डायग्राम का, तो यानी कि आपको डीपी बाय डीटी निकालना है। जो निकालना है उसको आप लिख दीजिए। क्या आपको निकालना है, आपको निकालना है द रेशो ऑफ स्लोप ऑफ सॉलिड गैस कर्व, डीपी बाय डीटी निकालना है सॉलिड से गैस के लिए, ठीक है, रेशो के साथ निकालना है आपको, टू द स्लोप ऑफ लिक्विड गैस कर्व एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ पीटी, अब लिक्विड गैस के लिए आपको निकालना है, तो क्या लिखोगे आप, डीपी बाय डीटी लिक्विड से गैस के लिए आपको निकालना है। तो अगर आपने नोट्स को ध्यान से देखा होगा तो वहाँ पर हम लोगों ने एक फॉर्म को और लिखा था, आपने वहाँ पर देखा था कि जो आपका dp बाई डी टी है वो क्या होता है, आपका डेल्टा h अपॉन में क्या होता है, डेल्टा h अपॉन में t इंटू में डेल्टा v होता है, ये आपको पता है। फिर आपको पता है कि सॉलिड से गैस के अंदर, लिक्विड से गैस के अंदर आप डेल्टा v क्या लिख सकते हो, v का वेपर लिख सकते हो, और v वेपर का आप कह सकते हो आर टी बाय पी लिख सकते हो। आप यहाँ से बोल सकते हो कि जो आपका डेल्टा p बाय डेल्टा t है वो क्या था आपके पास, डेल्टा h अपॉन में t इंटू में टी का स्क्वायर हो जाएगा, आर हो जाएगा, पी आपका ऊपर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं यहां से सॉलिड से गैस के लिए तो ये हो जाएगा सबली, और मैं बात करता हूं सो लिक्विड से गैस के लिए, लिक्विड से गैस के लिए मैं बात करूंगा तो आपका जो डेल्टा एच है ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एच वेपराइजेशन आपका हो जाएगा इंटू में पी अपॉन में आर टी स्क्वायर आपका सेम की सेम यहाँ पर है, पी इंटू में आर टी स्क्वायर अपॉन यहाँ पर आपका सेम टू सेम है ही, नियर अबाउट ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर, यानी कि प्रेशर टेम्परेचर के आपका दोनों केसेस के अंदर सेम है। तो पी आर टी स्क्वायर, पी आर टी स्क्वायर आप लोग आराम से काट सकते हो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, डेल्टा एच सबली अपॉन में डेल्टा एच वेपराइजेशन आपका आ गया। अगर आप इसका रेशो निकाल लोगे तो आप इसका रेशो भी इजिली कैलकुलेट कर लोगे, और यही आपसे एग्जाम के अंदर पूछा गया था। अब आप इसको कैसे निकालोगे, डेल्टा एच सब्ल्यू डेल्टा एच वेपराइजेशन कैसे निकालोगे, उसके लिए आपको ये इक्वेशन गिवन है, उसके लिए आपको इक्वेशन गिवन है, आपको इक्वेशन से पता है कैसे आप लोग निकालते हो। आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है लॉग ऑफ पी ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या गिवन है, 24 माइनस का 3900 बाय टी। और आपको पता क्या है, आपको पता है कि लॉग ऑफ पी सॉलिड क्या होता है, वो आपका होता है कांस्टेंट प्लस में क्या, डेल्टा एच, कांस्टेंट माइनस में क्या, डेल्टा एच सबली, डेल्टा एच सबली अपॉन में क्या होता है, आर होता है, अपॉन में आर टी होता है, ये आपको पता है। तो अब आपको क्या करना है, ये आपको गिवन है, ये आपको क्या है, ये आपको गिवन है और ये आपको याद है, ये आपको क्या है, ये आपको पता है, ये आपको याद है, ये आपको रिमेंबर, आप इसको याद कर सकते हो, ये आपको याद है, ये आपको क्या है, ये आपको याद है, हिंदी में लिख जाता हूँ, ये आपको याद है, ये आपको गिवन है, सिर्फ आपको कंपेयर करना है। कंपेयर करोगे तो क्या लिख सकते हो, आप यहाँ से लिख सकते हो कि आपका 3900 इक्वल टू किसके है, डेल्टा एच सबली अपॉन में आर के बराबर है, यानी कि आपका डेल्टा एच सबली जो है वो क्या है, 3900 आर है। सेम उसी तरीके से जो आपका डेल्टा एच वेपराइजेशन है वो क्या हो जाएगा, वो आपके पास हो जाएगा 2600 आर, आर से आर काट दो, जीरो से जीरो काट दो, ये कितने कितने का आ जाएगा, निकाल लेना, ये आपको निकाल आएगा 1.5। तो आपका निकल कर आ गया कि आपका dp बाय dt सॉलिड से गैस में जा रहे हो, dp बाय dt लिक्विड से गैस में जा रहे हो, ये आपका निकल कर आ गया 1.5। ये भी आप लोगों ने आराम से कैलकुलेट कर लिया। आपको सिर्फ याद करना है विदाउट लिमिट्स की कैसे आप लोग उसे इंटीग्रेट करते हो, कैसे आप उसे कंपेयर कर सकते हो। दो क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, नेट के अंदर करा चुका हूँ क्वेश्चन, और जैम के अंदर भी क्वेश्चन आ चुका है।
नेट का जो क्वेश्चन था वो तो बहुत ही सिंपल था, सिर्फ आपको इक्वेट करना था, और जैम का तो फिर भी थोड़ी बहुत आपसे मेहनत करवाई है, तो जैम के क्वेश्चन भी अच्छे चल के आते हैं इस टॉपिक के अंदर से, तो आपको अच्छे से पढ़ना है इस टॉपिक को। यहाँ पर आपको जो है विदाउट लिमिट जो मैंने इंटीग्रेशन फॉर्म लिखवाई थी आपको उसकी यहाँ पर जरूरत पड़ रही है। तो चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। कंसीडर द स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट क्या है, क्लोशियस क्लैपेरॉन इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल सही बात है, इसकी तो बात मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के लिए ही आप लोग क्लैपेरॉन इक्वेशन को और क्लोशियस क्लैपेरॉन इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद क्या है, द स्लोप ऑफ लिक्विड गैस को एग्जिस्टेंस कर्व इज स्मॉलर देन द स्लोप ऑफ लिक्विड सॉलिड लिक्विड को एग्जिस्टेंस कर्व इन पीटी डायग्राम। आपको यहाँ पर ये पूछा गया कि आपका जो स्लोप होता है, किसका स्लोप होता है डीपी बाई डीटी सॉलिड से गैस के अंदर भी, और एक आपका स्लोप होता है डी पी बाई डी टी, ये किसका, लिक्विड से गैस के भी, किसका आपका स्लोप बड़ा होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि जो आपका सॉलिड से गैस होता है क्या होता है, डैम माई डेल्टा एच सबली अपोन में क्या था आपके पास, आर टी स्क्वेयर था, ये आपको पता था, इंटू में क्या है पी है। यहाँ पर क्या था आपके पास, डेल्टा एच वेपराइजेशन इंटू में पी इंटू में क्या, आर टी स्क्वेयर। तो बेसिकली इसने बोला हुआ है कि जब ये कोएग्जिस्टेंस करेंगे तो इसका स्लोप बड़ा होगा। तो आपको पता है कि जो है डेल्टा एच सबली होता है वो डेल्टा एच ऑपरेशन हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। सॉलिड से आप लिक्विड में गए, लिक्विड से आप कहाँ गए, वेपर में गए, तो ये जो था ये इसके अंदर क्या लगता है, डेल्टा एच सबली लगता है। इसमें क्या लगता है, डेल्टा एच सबली लगता है। ये क्या है आपका, डेल्टा एच सबली है। ये क्या है, डेल्टा एच सबली है। ये क्या आपके पास, ये डेल्टा एच मेल्टिंग है, डेल्टा एच फ्यूजन बोल सकते हो। ये क्या आपके पास, डेल्टा एच वेपराइजेशन है। तो आपका जो डेल्टा एच सब्लिमेशन है वो आपका सम होता है डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन प्लस डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। तो आप बोल सकते हो कि आपका डेल्टा एच सब्लिमेशन हमेशा बड़ा होगा किससे, डेल्टा एच वेपराइजेशन से हमेशा क्या होगा, बड़ा ही होगा। तो आप लोग यहाँ पर कह सकते हो कि अगर आपका डेल्टा एच सब्ली बड़ा तो आपका स्लोप बड़ा एच और जी कर्व का, सॉलिड और गैस का जो आपका कर्व होता है उसका जो आपका स्लोप होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द स्लोप ऑफ लिक्विड गैस कोएग्जिस्टेंस कर्व इज स्मॉलर। तो हाँ बिल्कुल ये बात भी ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट में आपकी क्या हो गई, ठीक हो गई। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, सॉलिड गैस कोएग्जिस्टेंस कर्व एंड्स एट क्रिटिकल पॉइंट, लिक्विड गैस कोएग्जिस्टेंस कर्व एंड एट ट्रिपल पॉइंट। तो देखते हैं इस चीज़ को भी, ये एक अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिया हुआ है। क्वेश्चन आ सकता है नेट के अंदर ये भी, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, वो आपको तीन पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। ये आपके पास कैसा था, ये आपके पास था सॉलिड, ये आपके पास था लिक्विड, ये आपके पास क्या था गैस, ये आपके पास क्या था, पहला जो कर्व था ये कैसा था, ये आपके पास था सॉलिड से गैस कन्वर्जन, ये कैसा था सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन, ये कैसा था लिक्विड से गैस कन्वर्जन। अब आपको पता है कि जो आपका सॉलिड से गैस की जो फेज ट्रांजिशन लाइन है ये कहाँ पर खत्म होती है, इस पॉइंट को आप क्या बोलते हो, इस पॉइंट को आप बोलते हो ट्रिपल पॉइंट। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं आप लोग, ट्रिपल पॉइंट। और जिस पॉइंट के ऊपर आपका लिक्विड से गैस वाला कर्व जहाँ पर खत्म होता है इस पॉइंट को आप लोग क्या बोलते हो, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हो। इस पॉइंट को आप क्या बोलते हो, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हो। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके बाद आप लोग गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, यानी कि आपका जो एक ग्राफ है यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके बाद की जो आपकी स्टेट हो क्या बोलते हो, सुपर कूल लिक्विड बोलते हो। जो आपकी एक और स्टेट निकल कर आती है जो आप लोग पढ़ते हो एमएससी के बाद पीएचडी में आप इसको पढ़ोगे, इसे आप क्या बोलते हो, सुपर कूल लिक्विड बोलते हो। एक पर्टिकुलर स्टेट के बाद आप चाहे प्रेशर को कितना भी इंक्रीज कर लीजिए आप लोग गैस को लिक्विफाई नहीं कर पाओगे, उस स्टेट को आप क्या बोलते हो, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हो। तो क्रिटिकल पॉइंट के बाद आपका लिक्विड गैस कर्व खत्म हो जाता है और ट्रिपल पॉइंट के बाद आपका सॉलिड से गैस पॉइंट गैस कर्व खत्म हो जाता है। तो यहां पर आपसे क्या पूछ गया हुआ है, सॉलिड गैस कोएग्जिस्टेंस कर्व एट एंड क्रिटिकल पॉइंट, नहीं ये ट्रिपल पॉइंट पे खत्म होगा। लिक्विड गैस कोएग्जिस्टेंस कर्व एंड एट ट्रिपल पॉइंट, नहीं ये आपका क्रिटिकल पॉइंट पे खत्म होगा। तो बेसिकली आपकी थर्ड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट और सेकंड सही है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो गया। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ये आपका नेट के अंदर आ सकता है कि कब आपके पास कहाँ पर कौन सा ग्राफ कब आपका कहाँ पर खत्म हो रहा है। तो थोड़ा सा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए ट्रिपल पॉइंट का भी, क्रिटिकल पॉइंट का भी, ये चीज़ आप लोग पढ़ते भी आ रहे, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है, तो उन्हीं सब का एक क्वेश्चन है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, CSIR नेट फिजिक्स का क्वेश्चन है, फिजिक्स के अंदर आया हुआ है तो ये नेट के अंदर हमारे पास भी आ सकता है। क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड वाटर टू स्टीम एज वाटर बॉयल्स एट टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमोसफेयर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी डज नॉट चेंज डिसकॉन्टिन्यूसली एट द ट्रांजिशन। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मैंने इस क्वेश्चन को उठाया हुआ है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर एक अच्छी चीज़ है, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा हुआ है, कंसीडर द ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड वाटर टू स्टीम, यानी कि लिक्विड से स्टीम में आप जा रहे हो, लिक्विड से आप वेपर के अंदर जा रहे हो। आपको पता है कि वाटर बॉयल्स कितने हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, और टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हो रहा है, और
टेम्परेचर आपके पास क्या है, 1 एटमोसफेयर है। 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर आपके पास क्या है, 1 एटमोसफेयर। ये चीज़ आपको दे रखी है, यानी कि उसने आपको क्या दिया है, उसने आपको मेल्टिंग प्रोसेस दिया है, उसने आपको मेल्टिंग प्रोसेस दिया है। अब आपको पता है कि मेल्टिंग प्रोसेस कैसा होता है, उसने आपसे पूछा क्या है, डज नॉट चेंज डिसकंटिन्यूसली। डिसकंटिन्यूस है या नहीं है, ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था एरेनफेस्ट क्लासिफिकेशन के अंदर। एरेनफेस्ट क्लासिफिकेशन किस चीज़ के लिए था, फर्स्ट ऑर्डर के लिए और सेकेंड ऑर्डर के लिए। तो अगर मुझे पता चल जाए कि जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है ये फर्स्ट ऑर्डर का है या सेकेंड ऑर्डर का है, तो मैं वो अपने क्लासिफिकेशन को यूज़ कर पाऊंगा। तो आपको पता है कि जो आपका मेल्टिंग होता है वो कैसा होता है, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन होता है। अब आपसे पूछा हुआ है नोट डिसकंटिन्यूअस। स्टेटमेंट देखिए कितनी अच्छी तरीके से बनाई हुई है, नोट डिसकंटिन्यूअस, नोट आ गया और फिर डिसकंटिन्यूअस, तो दो बार नोट आ गया, ये भी नोट होता है और डिस भी क्या होता है, नोट होता है, तो दो बार नोट आ गया, तो नोट डिसकंटिन्यूअस मतलब क्या हो गया, कंटिन्यूअस। नोट डिसकंटिन्यूअस मतलब क्या हो गया, कंटिन्यूअस। नोट डिसकंटिन्यूअस मतलब क्या हो गया, कंटिन्यूअस। एक बार ये नेगेटिव है, एक बार ये नेगेटिव है, दोनों कर जाएंगे क्या बन जाएगा, कंटिन्यूअस आपका बन जाएगा। तो कौन सा पार्ट आपका क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपका जी क्या होता है, कंटिन्यूअस, फर्स्ट डेरिवेटिव जी क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आपका जब फर्स्ट ऑप्शन गिब्स फ्री एनर्जी क्या होने वाला है आपका, नॉट डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस होता है। तो ये फिजिक्स में आ चुका है, केमिस्ट्री के अंदर क्या पता आ जाए, स्टेटमेंट अच्छी थी तो मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करा दिया। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं गेट 2015 का, क्लैपेरॉन इक्वेशन का ये है, क्लोसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन का क्वेश्चन क्या है, ए लिक्विड हैज़ अ वेपर प्रेशर ऑफ 2.02 × 10⁻³ न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वेयर। ध्यान रखिए गेट का क्वेश्चन, तो कैलकुलेटर आपको यहाँ पर अलाउड है। एट 293 केल्विन एंड हीट वेपराइजेशन इज 41 kJ/mol, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इन केल्विन इज। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे क्या गिवन है, क्वेश्चन आपसे गिवन है द लिक्विड हैज़ अ वेपर प्रेशर, आपको लिक्विड का वेपर प्रेशर गिवन है एट टेम्परेचर, यानी कि आपको T2 भी गिवन है और आपको T1 भी गिवन है। आपको मान लीजिए कि आपका ये बार क्या है, आपके पास ये T1 है, आपका T1 क्या है, T1 आपके पास क्या है, दोबारा ले जाता हूँ मैं इसको, जो आपके पास T1 है वो क्या है, T1 आपके पास है 293 केल्विन, और आपके पास ये वेपर प्रेशर इस टाइम पे कितना है, तो आपके पास P1 कितना है, P1 आपके पास है 2.02 × 10⁻³ न्यूटन मीटर का स्क्वायर। आपसे पूछा है बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर आप लोग कब नोट करते हो, जब आपका प्रेशर क्या होता है, 1 एटमोसफेयर। यानी कि उससे उसने आपसे पूछा है कि जब आपका प्रेशर 1 एटमोसफेयर का होगा, जब आपका प्रेशर 1 एटमोसफेयर का होगा तो वो क्या टेम्परेचर के ऊपर, इस टेम्परेचर आप क्या बोलते हो, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ही तो बोलते हो। तो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर आपका ऑटोमेटिकली डिफाइन होता है 1 एटमोसफेयर के ऊपर। तो उसने आपको P2 भी दिया हुआ है, डेल्टा एच वेपराइजेशन भी उसने आपको यहां पर दिया हुआ है, सारी चीज उसने आपको दी हुई है, बस ध्यान रखना है आपको यूनिट्स का। यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनामिक्स के अंदर, मैंने पहला लेक्चर यूनिट कन्वर्जन को ही दिया हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी तक यूनिट कन्वर्जन को अच्छे से नहीं पढ़ा तो प्लीज जाकर पहला लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि आप लोग देख चुके हो कितने क्वेश्चन आते हैं यूनिट कन्वर्जन के और आपको पता होना चाहिए। अगर आपका यूनिट कन्वर्जन आपको नहीं आता तो क्वेश्चन आपको आते हुए भी आप नहीं कर पाओगे, वो बहुत बुरा होता है एग्जाम के अंदर, कि आपको सब कुछ आता है बस आपको यूनिट कन्वर्जन नहीं आता, आपको ये नहीं पता कि आप लोग कैसे न्यूटन मीटर स्क्वायर को एटमॉस्फेयर के अंदर कन्वर्ट करने वाले हो। अगर आपको ये कन्वर्जन नहीं आता होगा तो आप इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाओगे, चाहे आपको क्लोसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन पता हो। तो कितना बुरा होगा आपको जब आपको क्लोसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन पता है लेकिन आपको यूनिट कन्वर्जन नहीं आता। तो यूनिट कन्वर्जन जरूर पकड़ा जाएगा थर्मो के अंदर से, क्वेश्चन आजकल वैसे ही आ रहे हैं, तो यूनिट कन्वर्जन का यूज कीजिए और इस क्वेश्चन को करिए। सारी चीज़ आपको गिवन है, सिर्फ आपको वैल्यूज को पुट करना है, यूनिट कन्वर्जन का आपको ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल के अंदर वैल्यूज को पुट करते हुए ध्यान रखिएगा कि सारे यूनिट्स को आप लोग साथ लिखिए, ताकि आप लोग कोई भी गलती ना करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, इफ़ द एंथैल्पी चेंज एंड एंट्रोपी चेंज फॉर द प्रोसेस, आपको प्रोसेस गिवन है, C6H6 लिक्विड से वेपर के अंदर गया है, आर रेस्पेक्टिवली, ये आपको गिवन है डेल्टा एच, ये आपको गिवन है डेल्टा एस, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ C6H6 गैस इज 35 torr विल बी। टीफर का एक क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है अच्छा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन के अंदर क्या है मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा क्या हुआ है, लिक्विड से वेपर का कन्वर्जन था, डेल्टा एच आपको गिवन है, डेल्टा एस आपको गिवन है, आपको क्या गिवन है, आपको रिस्पेक्टिव गिवन है द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज 35 torr, आपको 35 torr। आपसे पूछा गया है कि अगर आपका प्रेशर 35 torr है, अगर आपका प्रेशर 35 torr है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग उसका टेम्परेचर क्या होगा, ये उसने आपसे पूछा है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को किस तरीके से करोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको पहली बात तो डरना नहीं है, जितना भी आपको पढ़ा हुआ है आपने सब पढ़ा हुआ है, सिर्फ आपको उसको यहाँ पर अप्लाई करना है। लिक्विड से वेपर कन्वर्जन है, डेल्टा एच गिवन है, डेल्टा एस गिवन है, आपको पता है
कि जो आपका डेल्टा एस होता है ये लिक्विड से वेपर कैसा प्रोसेस है, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है, इसके लिए आप क्या लगा सकते हो, डेल्टा एस आपका हो गया डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन में टी। किस टेम्परेचर के ऊपर ये मैं इसको बॉयल कर रहा हूँ, यानी कि टी बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर आपका ही हो गया। लिक्विड से वेपर कब जाएगा, जब उसका टेम्परेचर कैसा होता है, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है, तो आपका डेल्टा एस हो गया डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन में टी बी। तो आपका डेल्टा एस निकल गया, डेल्टा एस आपको कितना गिवन है, आपको गिवन है चीज़ें, डेल्टा एस आपको क्या गिवन है, डेल्टा एस आपको गिवन है 96.4 जूल पर केल्विन पर मोल, ये आपको गिवन है। डेल्टा एच भी कितना गिवन है, 33.90 किलो जूल अपॉन में किलो जूल पर मोल डिवाइडेड बाय टी बी। तो किलो जूल को पहले जूल के अंदर बदलिए, क्या करोगे 10.23 से मल्टीप्लाई कर दोगे और किलो जूल को यहाँ पर जूल लिख सकते हो। मोल से आपका मोल कट जाएगा, जूल से आपका जूल कट जाएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका टी बी निकल कर कितना आएगा, टी बी आपका निकल कर आएगा 352 केल्विन, टी बी आपका निकल कर आएगा 352 केल्विन। आप लोग ऑप्शन को चेक करोगे क्योंकि आपका टेम्परेचर पूछा गया, टेम्परेचर आपका निकल गया, ऑप्शन ए क्या है 352 केल्विन है, आप इसे टिक लगाओगे और आपका ये आंसर गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा उसको आप देखिए, आपने ये क्या निकाला है, आपने निकाला है बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। अब बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर और मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर 1 एटमोसफेयर के ऊपर डिफाइन होता है। अगर ये 1 एटमोसफेयर के ऊपर डिफाइन होता है तो ये तो 1 एटमोसफेयर के कोरस्पोंडिंग आपको टेम्परेचर गिवन है। 1 एटमोसफेयर बोल लीजिए, 1 बार बोल लीजिए, कितना भी आप बोल लीजिए, 760 बोल लीजिए, ये आपको इस प्रेशर के ऊपर आपको बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर गिवन है। लेकिन क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा है द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ C6H6 गैस इज 35 टोर, यानी कि किस टेम्परेचर के कोरस्पोंडिंग उसका प्रेशर 35 टोर होगा, 35 टोर होगा। तो जो आपका टेम्परेचर निकल कर आया बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर 352 केल्विन, ये आपका कोरस्पोंडिंग है P1 कितना, 760 टोर के कोरस्पोंडिंग। उसने आपसे क्या पूछा है कि 35 टोर के कोरस्पोंडिंग आपका टी बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या होगा, उसने आपसे ये चीज़ पूछी है। तो टी फॉर अ क्वेश्चन था, पहले उसने आपसे सिंपल कंसेप्ट लगवाया कि आपका डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन में टी बी होता है। बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर जैसे ही आप निकालोगे 352 केल्विन, आप यहाँ पर टिक लगा दोगे, लेकिन ये आंसर इसका गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये आपका टेम्परेचर कोरस्पोंडिंग है 760 टोर के। उसने आपसे पूछा है कि 35 टोर के कोरस्पोंडिंग आपका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या होगा, तो आपको यहाँ पर क्या लगानी पड़ेगी, क्लोशियस क्लैपेरॉन इक्वेशन लगानी पड़ेगी। क्लोशियस क्लैपेरॉन इक्वेशन आपको लगानी पड़ेगी कि आपको चाहिएगा डेल्टा एस वेपराइजेशन आपको चाहिएगा, तो वो चीज़ तो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, डेल्टा एस तो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। इसका यूज़ कीजिए, इनका यूज़ कीजिए और अपना टी बॉइलिंग पॉइंट को निकाल लीजिए, टेम्परेचर को निकाल लीजिए, आपका प्रेशर क्या हो 35 टोर हो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कीजिए और आप अपना क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कीजिए, और इनको सॉल्व करके आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए कि आखिर आपका आंसर क्या निकल रहा है, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन तो मैंने आपको लगभग करा दिए हैं, तो इन सब के क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, 2 क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराएं, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, उनके आंसर्स को प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोग भी साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, आप लोगों को चीज़ें साथ साथ में समझ में आ रही हैं। अगर आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है तो वीडियो को तो लाइक कर ही दीजिए अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है, और चैनल को भी अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपके पास सारे के सारे नोटिफिकेशन पहुँच जाएँ। अगर आप लोगों को RJ Academy का एक कोर्स ओपन कोर्स पर अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग हमारे RJ Academy को कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो, डिटेल्स आपको वीडियो के स्टार्टिंग में मिल जाएगी, आप लोग कोई भी अमाउंट डोनेट कर सकते हो ताकि RJ Academy आप लोगों के लिए नए नए कोर्सेज लाती रहे एकदम फ्री। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।